मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक किसान घाट में नहीं गया। झूठ बोलने की सरकार है, झूठ बोल रहे हैं। पहले ये खुद को एक कर ले, सपा और कांग्रेस अंदर खाने, सपा वाले खुद भाजपा को वोट देंगे। वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, वो वक्त। झूठों की सरकार एक बार बनती है, बार बार नहीं बन सकती झूठों की सरकार। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महासंग्राम, इंडिया डेली लाइव का चुनावी खास शो। और इस महासंग्राम की चुनावी यात्रा में मैं नैना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कृपा सिंह नेगी के साथ में अब आप पहुंची हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस जगह पर जहां की सियासत बहुत मायने रखती है। ये वो जगह है जहाँ की ढोलक की थाप अपने आप में दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखती है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूं अमरोहा की। वो अमरोहा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट में आता है। दूसरी तरफ ये बात की जाए, यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन दूसरे चरण के मतदान के पहले ही सियासी गहमागहमी लगातार देखी जा रही है। प्रत्याशियों के बीच की चर्चा अलग स्तर पर नजर आती है। अगर इस सीट के समीकरणों की मैं बात करूं तो याद रखिए, इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है और कांटे की टक्कर देखी जाती है। 2014 में बीजेपी की प्रत्याशी ने जीत की तो 2019 में तस्वीर बदल गई। एक बार फिर से वही टक्कर 2024 में भी नजर आने वाली है। लेकिन आखिर अमरोहा की जनता के आखिर इस बार चुनाव में क्या है मुद्दे, क्योंकि नेता तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन उन दावों वादों पर क्या वो नेता खरे उतर पाए। मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली यहाँ से हैं, उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन आखिर जनता के मन में इस बार क्या मुद्दे हैं वो ज़रूर हम टटोलने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ पर जो खास लोग मौजूद हैं, एक बार मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सीधे यही शुरू कर लेते हैं। जरा बताइए, इस बार अमरोहा की जनता के मन में आखिर क्या मुद्दे? भारत माता की जय। अमरोहा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के चौधरी कंवर सिंह तंवर जी चुनाव जीतेंगे 100%। अच्छा। यहाँ दूसरी पार्टियों का कोई लेना देना अब नहीं। 100%। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतने आश्वस्त? वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। जो और प्रत्याशी है ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। और प्रत्याशी यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे कुंवर दानिश अली की। आपको लग रहा है, बोल रहे हैं कि भाई इस बार 100% बीजेपी जीतने वाली है अमरोहा? ये तो झूठ बोलने की सरकार है, झूठ बोल रहे हैं। ये तो परिणाम देख लेना आप, गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। वो बड़े प्रत्याशी रहते नहीं है लोगों के बीच। नहीं, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने भी चेयरमैन है, जितने मेंबर है, उनसे पूछो आप एमपी ने क्या निधि दी है, उन्हें क्या नहीं दिया है। जिला पंचायत के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट लाओ, निकाल के उनसे पूछो। मैं लोगों से पूछती हूँ, बताइए यहाँ के जो सांसद हैं उनके काम से खुश हैं? अभी बिल्कुल खुश हैं। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं अभी मैंने रिसेंटली भाजपा ज्वाइन करी है। मोहम्मद नौसाद शेख मेरा नाम है। पहले ये खुद को एक कर लें, सपा और कांग्रेस। अभी कल ही इनके कार्यालय पे इतने जुट पैंजल चले हैं, खुद ही एक नहीं है। दूसरी चीज, अंदर खाने सपा वाले खुद भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये ऐसा है कि आप ये बताइए, जो मौजूदा सांसद हैं वो आपको लग रहा है उनके काम से खुश है यहाँ की जनता? और इस बार क्या चुनावी समीकरण है? आप किसी पार्टी के तो नहीं है? मैं एक पार्टी को बिलोंग करता था, उस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। मैं जिला संयोजक था। राष्ट्रीय लोकदल हमारे नेताजी ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले। मैं तो चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी था। उन्होंने कही थी मैं ठन्नी चमन्नी नहीं हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह जी का भक्त था। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें भारत रत्न दिया है और 3 साल पहले उनके बर्तन भांडे बाहर फेंक दिए थे। वो कौन सा रत्न था? है मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक किसान घाट में नहीं गया। और सब कुछ साथ लेकर बात करते हैं, कुछ सब कुछ साथ लेकर चलेंगे। हमारे देश में किसान का शोषण करा है तो इस सरकार ने करा है, मजदूर का शोषण करा है सरकार ने करा है। कैंडिडेट तीनों बाहर के हैं, कैंडिडेट तीनों सही नहीं है कोई सभी, लेकिन मुद्दों पे वोट दिया जाएगा। मुद्दा यह है देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो हमें गठबंधन को वोट देना पड़ेगा। देखिए बड़ी बात है, प्रत्याशी तीनों बाहर के हैं और यहाँ पर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया जाएगा। किसानों की बात हो रही है, आप किसान नेता के तौर पर यहाँ पे एक छवि बनाते हैं, जरा इस बात को समझाइए कि क्या किसानों की नाराजगी जो पिछले कुछ वक्त से देख रहे थे वो इस बार चुनाव में नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। इस बार चुनाव में हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियनों के। अभी दिल्ली में हमारी पंचायत थी तो वहाँ से अपने अपने जिलों में जाकर के विरोध प्रदर्शन की बात हुई है और यहाँ हम अपने अमरोहा जिले में विरोध पूरी ताकत से लगे हैं, पूरी ताकत से विरोध कर रहे हैं। गांव में जो भी किसान बसते हैं वो कंवर सिंह तंवर के उसके बहिष्कार के बोर्ड गांव-गांव में लगा करके उसका पूरी तरह से बहिष्कार है यहाँ और जीतने नहीं दिया जाएगा। तो किसानों का वोट बैंक किधर की तरफ नजर आ रहा है? किसानों की पूरी ताकत दिखाई जाएगी इस बार भाजपा सरकार को, क्योंकि भाजपा सरकार किसान हित की नहीं है, देश हित की नहीं है, लोकतंत्र की आए दिन हत्याएं कर रही है। ये सब होने नहीं दिया जाएगा, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। ये तो बात हुई। मैं आम जनता की तरफ जाती हूँ, जरा आप लोग बताइए। आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं। आप आम व्यक्ति हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए क्या? नहीं, नहीं, नहीं। अब आप बताइए कि आखिर यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव में? जनता के मुद्दे तो विकास के ही मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे? हाँ, विकास के ही मुद्दे रहते हैं। जो विकास सही कराएगी सरकार उसी को वोट। और इस बार अमरोहा में क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से कुंवर दानिश अली को लोग मौका देंगे या फिर उनके प्रत्याशी जो है बीजेपी या उनको समर्थन दिया जाएगा? जनता विरोध कर रही है उनका, उनकी पार्टी विरोध कर रही है। दानिश अली का तो चेहरा ही ना दिखाई दिया, कहाँ पर है, कहाँ है, कौन है दानिश अली, जानते हैं? सांसद कुंवर दानिश अली पहले रहते मगर शकल दिखाई नहीं दी उनकी तो कभी भी। भाई यहाँ के जो मौजूदा सांसद को लेकर नाराजगी है, नाराजगी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। किससे, किसकी नाराजगी? कुंवर दानिश अली नजर। कुंवर दानिश जी 100% जीतेंगे, पहले भी जीते अब भी जीते। जब पहलवान, मैडम जब पहलवान एक पहली बार आता है ना, ख्वाब देखना हर इंसान का फर्ज है। देखिए बेवकूफ बनाना, सुनिए बहस मत करिए, बहस मत करिए। आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोले। वो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, वो वक्त। झूठों की सरकार एक बार बनती है, बार बार नहीं बन सकती झूठों की सरकार। हमें डुगडुगी बजाए, राम को हम लोग लाने वाले हैं। राम को सिर्फ वाल्मीकि जी लाए थे। तुम कौन है वाल्मीकि वो लाने के? मैं वाल्मीकि हूँ, हमें वाल्मीकि लाया था राम को। राम हमारा, तुम्हारा राम को कौन लाए, ये चर्चा। आगे भाई, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? नवाब अली। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। ये बताइए कि इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? राम नाम का, राम मंदिर का मुद्दा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो किसान लोग ये कह रहे हैं कि गन्ने का रेट बढ़ा दो तो किसानों के मान लो, जब डीजल का रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर का बढ़ा दिए, तो किसानों की मांग पूरी कर लो। किसानों की मांग पूरी कर लो। किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं होती है? किसानों की सारी मांग पूरी हो रही है, कौन सी मांग पूरी नहीं हो रही? हम भी किसान हैं। सिंचाई जो है ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया और किसान निधि मिल रही है और बहुत से काम हो रहे हैं। और आपका सुनो, जीत का कारण ये है कि राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए कंवर सिंह तंवर की जीत होगी। दूसरा देखिए, एक बात जी देखिए मैडम, अभी पहली पार्टी है भाजपा, ऐसी पार्टी है जो चुनाव आने पर वादे तो करती है। कंवर सिंह तंवर जी के फार्म हाउस में मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने आकर के वहाँ से जो झूठ की पुटलियाँ जो खोली थी, सबसे पहला वादा उन्होंने किया था कि स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट बनाई थी कांग्रेस समन में, और वो आज तक लागू नहीं की कांग्रेस ने। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम ये करेंगे। अब हम आज पूछ रहे हैं हमारी सरकार कौन सी? जी से भाजपा सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार आई और दोबारा भी आई, लेकिन आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं बनी। दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली को घेरा, 13 महीने हम लोग बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हम लोगों ने दी। वहाँ मोदी जी ने हमसे वादा किया 3 कृषि कानून तो वापस। यानी कि किसानों का मुद्दा इस बार चुनाव में है। मैं आगे चर्चा बढ़ाऊं, लेकिन एक और बात बताती चलूं। दरअसल कहा जाता है कि अमरोहा में यहाँ की जनता चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहती है। किसी एक को ही बार बार वो सत्ता पे नहीं बैठाती, काम देखती है, जज करती है और उसके बाद में परिणाम देती है। ऐसा सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैट्रिक लगने की बात नहीं है। बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी। माननीय चौधरी कंवर सिंह तंवर दोबारा सांसद होंगे। पिछली बार जो गठजोड़, जो ठगबंधन हुआ था, उसका इस बार इलाज हो जाएगा। गठबंधन इस बार हुआ है। आज किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनका जो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए था। किसान तो अभी भी नाराज है। किसान नेता सबसे बड़े चौधरी चरण सिंह ही थे, इनसे पूछ लीजिए अगर कोई और रहे हो तो। क्या भारत रत्न दे दिया तो नाराजगी दूर हो गई? नाराजगी दूर होने के लिए कौन कह रहा है? वो तो वोट बता देंगे नाराजगी दूर हुई या नहीं हुई। 70% देश में किसान ही रहता है। अगर किसान नाराज होगा तो भाव चाहिए, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, गन्ने का पेमेंट 15 दिन में हो रहा है, गन्ने को भाव। और क्या चाहते हैं? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से किसानों को रोटी नहीं मिलेगी। आज किसानों के मुँह का निवाला छिन चुका है। 15 दिन में गन्ने का पेमेंट आ रहा है, कभी नहीं आया। आज गन्ने से लेकर किसान चुनाव बन रही है। देखिए मैं आम जनता की तरफ जाऊं, आप लोग बताइए जरा, आगे आ जाइए। हरीश शर्मा, क्या नाम है आपका? जुल्फिकार अली। अच्छा जुल्फिकार अली जी, ये बताइए कि अमरोहा में जो मुस्लिम वोट बैंक है इस बार किसका समर्थन करते हुए नजर आ रहा है? गठबंधन। गठबंधन कुंवर दानिश अली जी। लेकिन लोगों के मन में नाराजगी भी, काहे की नाराजगी और खूब दिखाई दे, यही रहते हैं वो तो, कहाँ जाम है, खूब आते जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई नेता तो नजर, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ, कोई विरोध नहीं है। काहे का विरोध है? ये जनता फैसला करेगी किसे लाना किसे नहीं लाना, कोई विरोध जनता के हाथ में। मेरा नाम सचिन यादव है और मोहब्बत की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस नगर में एक एक ईंट समाजवादी की देन है। आज इस विश्व स्तर पर इसकी पहचान है तो समाजवादी की देन है। चाहे आप यहाँ पता करा होगा, यहाँ गांव था, ये गांव से टाउन बनवाया, टाउन से नगरपालिका बनवाई, इंडस्ट्रियल एरिया बनवाया, ये इतना बेहतरीन रेलवे का पुल बनवाया, और ये तुम्हारी बगल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे, जमीन क्यों खिसक गई समाजवादी? जमीन कहाँ खिसकी है बताइए? इस बार भी यहाँ सपा के 2 MLA बने हैं और लास्ट टाइम भी गठबंधन का MP बना था। एक बात मेरी सुन लीजिएगा, बिल्कुल एक एक ईंट समाजवादी की देन है, एक एक ईंट। आप सुन लो, मैं आपका स्वागत करूंगा, आपने डिबेट में यहाँ किसानों की उपस्थिति दर्ज कराई है। आज मुख्य मुद्दा है किसानों का, नौजवानों का। निहत्थे किसानों पर गाड़ियां चलाने वालों को टिकट देने वालों की इस बार हार होगी। किसानों पर कील लगाने वालों पर, उन पर बोछार आंसू गैस छोड़ने वालों की हार होगी इस बार। देखिए बड़ी बात बोली है। लेकिन एक और मैं बात आपको बताऊं, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस या महागठबंधन की तो बात होती है, लेकिन यहाँ के अगर वोट बैंक को समझे तो यहाँ पर जाट वोटर्स भी बड़ी संख्या में है, यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी बड़ी संख्या में। जो तीसरे मोर्चे की आप बात कह रहे थे, तीसरा मोर्चा कहाँ है, कौन सा? तीसरा मोर्चे का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें ओवैसी साहब, चंद्रशेखर रावण, पीस पार्टी वाले और राजभर जी उसमें होंगे। उसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। और ये जो गठबंधन और बीजेपी की बात करते हैं, इनका इलाज बांधने का काम वो तीसरा मोर्चा करेगा। क्या नाम है आपका, किस पार्टी? मेरा नाम साजिद अली चौधरी है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ MIM पार्टी का यहाँ। और सबसे बड़ा मुद्दा मैडम ये है कि यहाँ बाहर के लोग आकर के मंदिर के घंटे की तरह हमारे अमरोहा लोकसभा की जनता को बजा करके चले जाते हैं। यहाँ पर तीनों प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं वो सब बाहर के प्रत्याशी हैं, लोकल का प्रत्याशी कोई नहीं है। जहाँ तक जो तो ये बताइए, AIMIM का क्या कोई प्रत्याशी अमरोहा से चुनावी मैदान में होगा? बहुत जल्द आने वाला है, ऐसी हमें उम्मीद है, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है इस चीज का। लेकिन अभी तक तो बीजेपी और ये जो आपकी सपा का गठबंधन है, ये अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। बराबर वाली सारी सीटों पर 3 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं, इनका प्रत्याशी 4 जून के बाद। लेकिन जब AIMIM के प्रत्याशी आते हैं तो हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या सपा का वोट जो है वो कटता है और बीजेपी को साथ मिलता है। उन्हें हैदराबाद से निकलने की फुर्सत ही नहीं है, वो उत्तर प्रदेश क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का तो माइनॉरिटी हो या हिंदू बॉर्डर, वो खुद समझदार है। जो आदमी हैदराबाद में बैठ के 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता है, वो उत्तर प्रदेश क्या देखेगा? लेकिन अगर AIMIM आती है तो यहाँ पे किसका फायदा होगा? मैम यहाँ सिर्फ मोदी जी हैं, मोदी जी और मोदी जी। वोट मिलेगा, हमारा वोट जाएगा धारा 370 हटाने वाले को, हमारा जाएगा, हम वोट देंगे। हमारी नस्लें दीवार में चिनवा दी गई थी, हम वोट देंगे मोदी जी को, जिन्होंने हमारे देश का ताज बचाया, हमारा सिर कटने से बचाया। भारत माता की। मुझे एक बात बताइए, तो क्या इस बार चुनाव में आ गया हो? अरे आ जाइए, अरे आगे तो आइए। अच्छा आप आओ, मुझे एक बात बताइए, तो क्या इस बार चुनाव में यहाँ के लोकल मुद्दे की जगह धारा 370 या राम मंदिर का मुद्दा गूंजेगा? नहीं, कुछ नहीं, बस विकास का मुद्दा गूंजेगा। विकास का मुद्दा गूंजेगा। कौन से मुद्दे पे वोट देगी यहाँ की युवा? भाई यहाँ के युवा बोलते नहीं है कि आप ही बता दीजिए। आगे आप आगे आ जाइए। यहाँ के लोग बड़े शर्माते हैं, आप बताइए यहाँ के लोग आखिर क्या सोचकर वोट दें? ओनली ऑन विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए वास्तव में, लोकतंत्र बचाने के लिए होगा। अभी बीजेपी के सांसद ने कहा था 400 पार आ जान दो, संविधान भी बदला जाएगा। वो बाबा साहब का संविधान बचाना, विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। सभी का, हर घर का सपना पूरा हुआ है इस भाजपा सरकार में। 400+ से मोदी जी का जो नारा है वो पूरा होगा। अभी भाई साहब कह रहे थे, अभी भाई साहब कह रहे थे कि समाजवादी की सरकार में ये पुल बनवाया गया था। भाजपा लोकदल के गठबंधन से देवेंद्र नागपाल यहाँ से सांसद थे, उनके कार्यकाल में ये पुल, उनकी मांग से ये पुल बनवाया गया। रेलवे स्टेशन वाले में बनवाया गया है, जब वो सांसद थे स्वीकृत उन्होंने कराया, बना किसी भी कार्यकाल में हो, उनकी मांग से ये पुल बनवाया गया। भाई साहब पहले भी सांसद रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं। और एक चकनवाला गाँव होता हमारे यहाँ, उसको गोद लिया था। आज भी आप जाकर के देख लिए, उसकी नाली खरंजा को चकनवाला में एक पुल आजादी के समय से नहीं हो रहा था, वो अब चौड़ीकरण भी नहीं करा पाए। वो वो रोड का चकन वाले पर गंगा का पुल बनना था, वो 50 साल का मुद्दा था जो हमारे मौजूदा विधायक राजीव तरारा जी ने बीजेपी में अब बना आजादी से आज तक नहीं बनाया। इनके जो व्हाइट कपड़े आज चल रहे हैं उस पुल पे, वो माननीय योगी जी ने बनवाया है। क्रेडिट की राजनीति है, क्रेडिट की राजनीति। इधर मैडम जी, मैं आपसे अब सुन लो भैया, सभी एक बार सुनो। यहाँ भाजपा के जो लोग खड़े हैं, जो कोई वैज्ञानिक हो, ज्ञाता हो, ये बता दीजिए, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। मोदी जी को 15 साल होगा बने हुए प्रधानमंत्री, 15 हो जाएंगे अब, 10 साल होगा, 15 साल बन कह रहे हैं। सुन तो लो, काम की बात सुन लो। बीजेपी के कार्यकर्ता ये बता दीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने एक मिल लगाई हो, एक कोल्ड स्टोर लगाई हो। समस्या तो है, आलू का किसान पिटता है और गन्ने का किसान पिटता है। एक मिल, एक कोल्ड स्टोर का नाम बता दीजिए। नई चीनी मिल लग गई है। भाई बोल रहे, देखिए यहाँ पे भाई बोल रहे कि भाई किसानों के बिजली बिल माफ हो गए, जो उनकी मांगे ऐसा दावा कर रहे हैं। जो मिल लगी है वो व्यक्तिगत मिल है, जैसा के पिताजी के जिसके 800 करोड़ रुपए सफेद हो गए, 800 करोड़ सफेद हो गए, तो उनकी मिल है। देखिए ये हमारा जिला, अमरोहा जिला, यहाँ 70% वोट किसान वोट है, और किसान वोट किसान की फसल और नस्ल पर वार हो रहा है। मेरे को विकास ढूंढ के बता दो जो 14 में आया था। इस बार होने नहीं दिया जाएगा। आज की डेट में गन्ने की पर्ची रोज चल रही है, और 20 दिन में गन्ने के किसान का पेमेंट आ रहा है। आपका ना हो रहा हो तो आप बता दो। हर 15 दिन में पेमेंट है। जयंत चौधरी आ रहे हैं, इलेक्शन का रुख ही बदल देंगे, एक जगह हो जाएगा। किसान वोट बैंक है, कोई वोट बैंक यहाँ से जो प्रत्याशी है, बात प्रत्याशियों की होनी चाहिए। यहाँ से हमारा प्रत्याशी, बताइए, एक सेकंड पे पीछे जाती हूँ। ये बताइए यहाँ के लोकल, अरे आगे आइए, आप लोग कहाँ छुप रहे हैं, आगे आइए दादा, क्या करते हो आप? किसानी करते हो। ये बताइए, किसानों की बार बार बात यहाँ पे सभी नेता कह रहे हैं, किसानों का काम जो है वो क्या प्रभावित हुआ है? क्या यहाँ के किसान खुश है मौजूदा सांसद से? सही कह रहे हैं वो, क्या ये सही कह रहे हैं? खुश है एक सांसद से, दानिश अली से खुश है। हाँ, या किसान नाराज है? ना, सही है। सही है भाई, ये तो बोले सही है। यहाँ के अमरोहा के आम लोकल मुद्दे क्या है? अमरोहा के लोकल मुद्दे विकास की बात पे करेंगे। जो आज की दिन में किसान की बात कर रहे हैं, जो असली किसान है ना, वो खेतों में है। वहाँ जो कर रहे हैं किसान जो हैं, वो 500 रुपये 600 रुपये लेके बोतलें पी रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। अच्छा। उन्हें कुछ नहीं पता। आधे किसान जो वहाँ बैठे हैं, युवाओं का मुद्दा। एक सेकेंड, युवा क्या सोच के वोट देगा? क्या उनका नेता कैसा हो? अच्छा हो। हाँ, अच्छा हो उनका नेता। बस मैं तो इस बारे में, आप बताइए युवाओं के लिए आखिर क्या मुद्दे हैं? हम तो जी मोदी जी को वोट देंगे, मुद्दा उद्दा कुछ ना हमारा। हम तो मोदी जी के प्रेमी है जी, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। ऐसा क्या है ना, पता ना, दिल से लगाव है उनसे तो जी। मोदी जी ऐसा क्यों पसंद है भाई? पता नहीं जी, तो अंदर से मन की भावना ही मोदी जी को चाहती है जी। और मोदी जी से लोग इतने प्रभावित है, अभी अरुणाचल में 5 विधायकों ने निर्विरोध चयनित हुए हैं। इससे बड़े प्रभावित क्या होगी दुनिया? सब लोग आज की तारीख में राष्ट्र विश्व में उन्हें माना जा रहा है। इससे ज्यादा क्या होगा? आज से पहले तो किसी को ना माना गया प्रधानमंत्री। कोई है भी? मुझे एक बात बताइए, तो क्या इस बार यहाँ पर सिर्फ मोदी योगी का चेहरा है, पार्टी का लोकल प्रत्याशी कोई वोट न देने का? सारे कोई सी बैट लगा लो, हर जगह जयंत चौधरी ने सबसे हाथ बढ़ाया, कंवर सिंह तंवर को एक तरफा जिता रही है पब्लिक। चाहे देख लो, दूसरे प्रत्याशी की तो बात ही नहीं कर रही। दूसरा प्रत्याशी है कौन? अभी तो नू कंफ्यूजन हुआ, किसका टिकट हो गया क्या, नू पूछ रहे हैं बाकी पार्टी वाले। कंवर सिंह तंवर को जीत गए, कंवर सिंह तंवर जीत गए। अरे उनसे प्रभावित इतने लोग, उनके कार्यों से इतने प्रभावित है लोग, इसलिए उन्हें जिता रहे हैं लोग। सब कह रहे हैं तो जयंत चौधरी से प्रभावित है या कुंवर चौधरी से प्रभावित है? दोनों से प्रभावित है। हाँ, यहाँ 2011 से सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज 15 साल उन्हें इस क्षेत्र में हो गए। पिछले 2019 के चुनाव में जब उन्हें यहाँ से ठगबंधन की वजह से हार प्राप्त हुई, उसके बावजूद भी कोरोना काल हो या कभी भी हो, वो निरंतर यहाँ सेवा करते आ रहे हैं। देखिए, पिछली बार गठबंधन था, 2019 के चुनावों में गठबंधन था, इस बार महागठबंधन है, तो क्या इस बार लहर नहीं है? कोई लहर नहीं मैडम, यहाँ कई सारे मुद्दे हैं। इतनी बार सरकार इनकी रह गई और सब वजूद में रहे ये लोग। ना तो कोई ट्रामा सेंटर अमरोहा के अंदर है, ना कोई क्या नाम है सरकारी स्कूल जो है, बड़ा स्कूल जो होते हैं विश्वविद्यालय, यहाँ सरकारी विश्वविद्यालय अमरोहा के अंदर। ये बात तो, ये मूलभूत बात। संसद में बोलने से लोकप्रिय नहीं कहलाते, संसद में पब्लिक की जनता की आवाज उठाने के लिए लोकप्रिय कहलाते हैं। ऐसे संसद में बोलने वाले तो ओवैसी हैं, संसद में जनता की आवाज उठा दे। अरे लेकिन यहाँ प्रत्याशी है, प्रत्याशी आने वाला है मैडम, बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ के प्रत्याशी क्षेत्र में अपनी जनता से मिलने हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर यहाँ से चुनाव जीतेंगे, 400 पार में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे लेकिन कुंवर दानिश अली का क्या है? कुंवर दानिश अली एक काबिल, बहुत काबिल पार्लियामेंट मेंबर है। लापता के पोस्टर लगे हुए बीजेपी भुगलाई भी। और दानिश अली लापता हो चुके हैं। अरे पहले किसानों की बात सुनिए, किसानों के बच्चों को एक नौकरी मिलती थी मिलिट्री की, उस नौकरी को भाजपा सरकार ने खत्म करा है, 4 साल पर ला करके रोक दिया है। किसानों युवाओं की रोजी रोटी पर वार किया है। देखिए युवाओं की बात हो रही, युवाओं की रोजी रोटी पर वोट नहीं करेगा। ये कह रहे हैं भाई साहब युवाओं की रोजी रोटी में वार करा है। कौन सा युवाओं के लिए बोले हैं दानिश अली, ये बताइए। मैडम जी मैं सभासद हूँ बैंक कॉलोनी टीचर कॉलोनी से। 90% वोट राजीव तरारा के नेतृत्व में कुंवर सिंह तंवर जी को पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर डाले। अब की बार 400 पार हमारा निशान कमल का फूल है। इधर आइए, इधर मुझे क्या पता कि 400 पार। ये देखिए, ये केजरीवाल कहते थे इस चीज को, उनको जेल भेज दिया गया। केजरीवाल कहते थे इन्होंने 400, इसका मतलब 400 सीटों की गुल्लक भर के इन्होंने तैयार कर ली है। देखिए केजरीवाल 400 सीट आने वाली है। विपक्ष तो है ही नहीं, कह रहे भाई जो विपक्ष में है वो तो जेल में। नहीं ऐसा है, तानाशाही चल रही है पूरी। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ईडी और CBI इनके हाथों में है। हम तो अपने अमरोहा लोकसभा की बात करना चाहते हैं कि हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो अमरोहा लोकसभा का विकास चाहे। तो वो कौन है ऐसा कैंडिडेट? अभी आप यहाँ वादे करके चले जाते हैं, जो यहाँ पे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन विकास कोई नहीं कराता। यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी आया नहीं है, क्योंकि यहाँ उद्योग नगरी है, गजोला उद्योग नगरी आता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो उद्योग बीजेपी प्रत्याशी या फिर जो अभी महागठबंधन के प्रत्याशी, उन पर भरोसा नहीं आता। नहीं, दोनों प्रत्याशी पहले भी वादा करके चले जाते, किसी ने विकास नहीं कराया। हम अमरोहा लोकसभा सब बातें करते हैं, विकास नहीं होता। ऐसा है, विकास होता है कि नहीं होता? विकास ना होंगे तो फिर कैसे होगा, बताइए। किसने किया है विकास? तंवर सिंह ने करा, तंवर सिंह को फिर जिताएंगे हम। पर 2019 में तो जनता ने उन्हें हरा दिया था। कोई बात नहीं, हरा दिया था, आपका जिता देंगे। ऐसा है क्या, वजह क्या है? लेकिन पहले अपने सांसद जो इस समय उस समय ठगबंधन ने हराए, उन्होंने अपने निजी कोष से 60 लाख रुपए का यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जब लोग मर रहे थे। एक प्रधान सेवक, देखिए नेता वही जो जनता के बीच में हो, जनता के हित में सोचे। आपको लग रहा है कि अभी जो प्रत्याशी हैं वो आप लोगों का सोचेंगे नहीं? दानिश अली के मुकाबले तो कुंवर सिंह तंवर ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जनता के बीच में एक दिन भी आया कि उन्होंने देखा नहीं, लौट के नहीं आए। वो तो उन्होंने तो जितने भी काम ये कराए हैं वो सब चौधराट में कराए हैं, छोट टपका तो उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने सफेद कुर्ता पहना और अपने नेतागिरी करी। भाई कह रहे कुंवर दानिश अली तो नजर ही नहीं आए। उन्होंने पार्लियामेंट मेंबर का क्या काम होता है? पार्लियामेंट मेंबर का काम होता है, पहले बात सुनो। एक सच्चाई बताएं आपको, देखो हम किसान, हम निष्पक्ष हैं, हम ना कांग्रेस के हैं, ना भाजपा के, ना सपा के हैं। देखिए कुंवर दानिश अली का टीवी में हमने कई बार देखा, हाउस में कुंवर दानिश अली ने हर बार किसानों की भी बात उठाई और क्षेत्र की, अमरोहा की बहुत बात उठाई। वहाँ कोई भी सुनते नहीं है लोगों की, जितने हाउस में जाकर के किसानों की बात उठाई हो। ऐसा वाला ही तो चुनना है यहाँ से, जब चुनोगे जब ही सरकार बनेगी। प्रधान है, नगर पालिका अध्यक्ष है, विधायक है। उत्तर प्रदेश को ये देखता है पार्लियामेंट मेंबर का काम होता है, उसकी नीति का जो भी पैसा है वो लगा हुआ है। आप क्षेत्र में जांच कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने मेंबर हैं उनके लिए इनका बेटा जो है जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है, उनसे ये मालूम कीजिएगा आप कितने मेंबरों को आपने पैसा दिया है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कहीं नहीं है, ये तो विपक्ष का लोग है, विरोध है बनाया हुआ विरोध। माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं, आम जनता खुश है। ये जो छोले से चाटुकार नेता हैं, अपनी दुकान चलाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। हर नेता अपने नेता को मानता है, लेकिन हर नेता अपने आप को मानता है। आप इधर आओ। लेकिन भाई कह रहे हैं कि दानिश अली ने काम किया, लेकिन वो नजर नहीं आया, एक भी काम नहीं करा। काम करा होता लोगों के बीच में आते, बात करते, उनसे अगली परेशानी पूछते, अगला क्या काम कराना बताओ। कुंवर सिंह तंवर जी हमारे ऐसे हैं, आज आएंगे आप पूछेंगे हाँ भाई क्या काम कराना। और तुम किसी पार्टी के हो? किसी पार्टी के? मैं किसी पार्टी से, मैं तो युवा हूँ, मैं इस क्षेत्र का युवा हूँ और यहीं रहता हूँ, तो मुझे तो पता है ना अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो युवाओं के मन में क्या धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा है या अमरोहा की जनता के मुद्दे? बिल्कुल मुद्दे हैं। अमरोहा की जनता क्या अलग है? अमरोहा की जनता भी तो देश से जुड़ी हुई है, अमरोहा अलग थोड़ी ना है। तो देश से क्यों ना प्रभावित है? राम मंदिर बन गया, अब से पहले तो ना बना, अब से पहले तो किसी ने चर्चा भी ना करी होगी राम मंदिर की। दुबक जावे दुबक रुका, हम कहाँ जावे? अब कहना नुका राम मंदिर बन गया, नुका वो तो बन ही जाता, बन जाता तो बनाया क्यों ना था भाई? अब से पहले आया किसी ने? क्या नाम है भाई? सिद्धांत नाम है मेरा। सिद्धांत क्या करते हो? मैं अभी MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या करते हो? मैं MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे क्या करना चाहते हो? आगे मुझे आगे तो जी अब अपने नौकरी देखेंगे। नौकरी देखोगे? भूल मिल रही है यार, जो मेहनत कर रहा है उसे भूल नौकरी मिल रही है, और जो अपने घर पढ़ा ना और व्हाट्सएप चला रहा है उसे काहे को नौकरी मिल रही है? पेपर दो, निकालो और करो नौकरी। लोग कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है। सिद्धांत पेपर लीक हो जाता है ना, पेपर लीक हो जाता तो कैंसिल ना करा क्या? दोबारा करवा देंगे। किसी से पैसा तो ना मांग रहे, दोबारा भर दो फार्म। और बाकियों में सुनो, बाकियों में रोक ना लगाई भर्ती पे, जो जुगाड़ वाले हैं सब नौकरी कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। सुनो आप ये कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता। समाजवादी की सरकार में लिस्ट बनकर जाती थी, किसी का कोई नहीं होता, जो लिस्ट बनती थी उसी के आधार पर नियुक्ति होती थी। यहाँ अगर पेपर लीक हुआ तो कैंसिल भी हुआ है। पीछे भी पूछ रहे पेपर लीक होते हैं, कह रहे पेपर लीक हो जाते हैं, व्यवस्था नहीं है, लेकिन युवा कह रहे की भाई राम मंदिर का मुद्दा है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, मस्जिद से रोजगार नहीं मिलता, मस्जिद से रोजगार नहीं मिलता। ये इनको गुमराह कर रखा है, पेपर लीक बता रहे हैं ये लोग। पहले पैसे देकर नौकरी लगती थी, को गुमराह कर रखा है मैडम लोगों ने। ये एक नारे पे सरकार का नारा। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बता दीजिए, देखिए आखिरी सवाल की तरफ जा रही हूँ, मुझे एक बात बता दीजिए, इस बार अमरोहा में टक्कर किस किस के बीच में? किसी की टक्कर नहीं है। एक मिनट सुनो सही। टक्कर तो यार हौसलो, टक्कर तो होती, लेकिन गठबंधन जो हो ना वो चूतिया निकल कर टिकट देते दानिश को। देखिए कुल मिलाकर ये जरूर मान के चलिए कि यहाँ पर टक्कर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प नजर आती है। कुंवर दानिश अली को लेकर एक अलग तरह की बातें हैं, बीजेपी प्रत्याशी को लेकर उनके समर्थक बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये जनता है, ये पब्लिक है, ये वो सब बहुत अच्छे से जानती है उन्हें किसे वोट देना है। लोकतंत्र का महापर्व है और उसमें हर कोई जरूर भागीदारी निभा रहा है। इसी के साथ अमरोहा से महासंग्राम में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए शहर नई सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।